जय हिंद सभी को। मैं भानु प्रताप सिंह राठौर आज आप सभी के सामने मैं मेरे उन वतन के रक्षक मैं मेरे उन फौजी भाइयों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। यार दोस्तों, क्या लोग होते हैं ना यार, वो भी आखिर कितना आसान होता है इतने दिल तोड़ जाना, एक माँ के लिए दूसरी माँ को छोड़ जाना। यार दोस्तों, उसको बात है मेरी हिंदुस्तान की जमीन में कि रोज चले आते हैं आतंकवादी मरने यहाँ। दोस्तों, इस मिट्टी से, इस हिंदुस्तान की मिट्टी से किसी को कितनी मोहब्बत हो सकती है ये आपको अभी पता चलेगा। एक हमारे फौजी भाई है, वो कहते हैं कि कोई उन्हें याद करे तो किस प्रकार से करे, तो उन्होंने कहा कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे पागल था बकौल तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना, और बचा हो जिसमें मैं जो लहू मेरे निकालना उसे फेंकना जमीन पे और मां तुझे सलाम लिख देना, यही उनका भविष्य था है और रहेगा। आजकल देश का माहौल कुछ अलग है, लोग हिंदुओं में बटे हुए हैं, कुछ मुसलमान में बटे हुए हैं, कुछ हिंदुओं में लड़ रहे हैं, कुछ मुसलमान में लड़ रहे हैं। तो उन्हीं के लिए कुछ लाइन लिखी थी किसी ने कि कुछ कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, कुछ कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो कुछ कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। अरे गौर से देखो मेरे यारो, मुझे लगता है कि मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। आजकल लोग कहते हैं मतलब बहुत हिंदुओं में मुसलमान में बहुत सोते हुए लोग मुझे कहते हैं कि तू वतन की बातें बहुत करता है, तू धर्म की भी बातें करा कर, क्योंकि लोग धर्म को सबसे पहले मानते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मुझे बहुत गर्व है, मैं एक राजपूत हूँ, मैं राजपूत घर में पैदा हुआ, उसमें मुझे बहुत गर्व है, पर मुझे उससे लाखों करोड़ों गुना इस बात पर गर्व है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान मेरे लिए सबसे पहले आता है और आज सभी के लिए भी आना चाहिए। अब ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं उन महिलाओं के लिए कहना चाहूंगा जो इस देश की हिफाजत के लिए वहां खड़ी है, उन महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहूंगा। लाइन से कि फौलादी जिस नहीं हौसले रखती है, फौलादी जिस नहीं हौसले रखती है वो नारी है, उसको देश पे कुर्बान रखती है। उसके हाथों में कंगन नहीं बंदूक थमा कर तो देख, उसके जिस्म पर साड़ी नहीं खाकी वर्दी लगा कर तो देख, दुर्गा काली देखेगा तू धरती पर ही एक बार भारत माँ की ओर आंख उठा कर तो देख। आखिर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं और मेरे जैसे कई पागल जो इस भारतीय सेना में जाने का ख्वाब रखते हैं, वो क्या सोचते हैं कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का और ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय। हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।